हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाइड्रा फेशियल से हमारा क्या बेनिफिट है। क्योंकि हमारा हाइड्रा फेशियल से क्या होता है, जितने भी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होता है, एक्ने प्रॉब्लम होती है, उसको हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट से। क्योंकि ये हमारा जो भी इसका प्रोसेसिंग है बहुत अच्छे से अच्छा है ये करने से। क्योंकि मैंने 4 से 5 लोग का मैंने किया है, बाकी सबका रिजल्ट अच्छा आया था। इनका भी मैंने किया है, आप देख सकते हैं। और इनका तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, पहले फेशियल जो हम यूज करते हैं वो जिसके फेस के अकॉर्डिंग जो होता है उसको लेना है। तो इनका फेस ज़्यादा ऑयली नहीं था, इनका फेस नॉर्मल था, तो मैंने इनका क्लीन किया है पूरा। मतलब जो आपका क्लींजर होता है उसको लेना है, पूरे अच्छे से फेस पे रिमूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मशीन से आपको डेड मतलब जो भी स्किन पे है उसको रिमूव करना है इसे। और वो भी क्या करना है, आपको पूरे सॉफ्ट हैंड से चलाना है, क्योंकि हार्ड चलाएंगे तो आपके फेस पे रैशेस पड़ने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, बाकी आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखने में तो ईजी लगता है, जो चीज़ देखने में ईजी लगता है पर वो टफ होता है। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं पूरा डिटेल्स बनाती हूँ, ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती हूँ। और इसके बाद हम यूज किए हैं स्क्रब। स्क्रब को हमको क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक रखना है। और इससे हमारा क्या है, पूरे फेस पे जो ब्लैक हेड्स होता है उसको अच्छे से रिमूव करता है। क्योंकि मैंने इससे अपना भी कराया था, इससे बहुत बेनिफिट था, मैंने तो देखा था, मुझे बहुत इफ़ेक्ट दिखा। बाकी आप भी करा सकते हैं हाइड्रा फेशियल, और अच्छा है इसका ग्लो, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, क्रीम अप्लाई की हूँ। जैसे हम मसाज क्रीम अप्लाई करते हैं, मैंने हैंड से कम 10 मिनट तक यूज किया है। उसके बाद मैं क्या की हूँ, इसके मशीन से मैं पूरे फेस पे इस क्रीम को एब्जॉर्ब करवाऊँगी फेस पे पूरे प्रॉपर तरीके से। आपको 10 से 15 मिनट तक, आपको जब तक आपका क्रीम पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको इसको मूव करना है, पूरा राउंड राउंड मूव करना है। जैसे हम सर्कुलर मोशन से मूव करते हैं वैसे आपको करना है। तो आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से आपके फेस में ये क्रीम एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी फास्ट फॉरवर्ड मैंने नहीं बनाया है। बाकी आप मेरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आई होप आप अच्छे से भी हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा, पर ये बहुत ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। दिखने में मुझे भी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ लग रहा था, पर मैंने कम से कम मैक्सिमम 4 से 5 लोग का मैंने किया है, पर इसका ग्लो बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि आपको एक और बात बता देती हूँ, जिसका डबल लाइन चिन्ह होती है इससे भी आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इससे हमारा क्या, इसमें हर चीज़ की फैसिलिटी है, इसमें फीचर्स भी अच्छे अच्छे हैं, टूल्स भी अच्छा है, तो ये हर चीज़ का इसमें यूजलेस है मशीन का। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे अच्छे से कम 10 से 15 मिनट मैंने इस फेस पे एब्जॉर्ब करवाया पूरे अच्छे से। क्योंकि मैंने वीडियो में थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी मेरी लॉन्ग वीडियो थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरा मैं प्रॉपर तरीके से बना दूँ। क्योंकि मेरे पास लास्ट हाइड्रा फेशियल का यही एक क्लाइंट मुझे मिला था, तो मैंने इसलिए मैं सोची कि पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना दूँ, क्योंकि इनके पास भी टाइमिंग पूरा अच्छे से था। तो मैंने पूरे अच्छे से मैंने इनका फेशियल किया है, और अच्छे से मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप बनाया। इसके बाद ये रोलर है, जैसे आपका सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे फेस पे क्या होता है कि इससे चलाने से हमारा होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा अच्छे से जनरेट हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन से हमारा क्या होता है कि हमारा फेस ग्लो करता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मोशन क्या है, मतलब मोशन में चलाना है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने इसके बाद पैक लगाया है। पैक आपको लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक ड्राई हो जाएगा, जैसे नॉर्मल हम लोग पैक लगाते हैं वैसे ड्राई होगा। इसके बाद फिर हम एक टूल्स लेंगे जिससे वो कोल्ड होता है, उससे हमारा क्या है पूरे फेस को ऊपर की तरफ आपको ले जाना है। जैसे हमारा फेस का जो भी टाइटनिंग करना हो, टाइट होता है हमारे फेस पे, तो इसलिए हमको ऊपर की तरफ हर स्टेप आप देखेंगे मेरे ध्यान से, कि आपको ये भी चीज़ देखना है कि कैसे मैं यूज कर रही हूँ देखने में। और आपको अच्छे से, जब तक आप अच्छे से देखेंगे नहीं, डीप नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखने में तो लगेगा ईजी है, पर आपको पूरे स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पूरे वीडियो डिटेल्स मैंने बनाया है और टाइम मैंने लिया है, बहुत अच्छे से बनाया। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सीरम से अप्लाई करनी पूरे फेस पे।
आपको सीरम से क्या करना है कि मतलब उतना ही थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें थोड़ा सा सीरम डालना है 2-3 ड्रॉप, उसको पूरे फेस के एब्जॉर्ब करवाना है। एब्जॉर्ब करवाने के बाद आपके पास सीरम है तो सीरम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सीटिंग मास्क होता है विटामिन सी का, वो लगा के आप ये मास्क लाइट LED आप लगा सकते हैं। पर हमारे पास नहीं था तो मैंने क्या किया था, सीरम लगा के डायरेक्ट मैं ये मास्क LED वाला मैं यूज़ की हूँ। इसको आपको रखना है 10 मिनट तक। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी मेरे वीडियो पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी और भी नोटिफिकेशन आपके मेरे वीडियोस पे मिल जाएगी। और बाकी मैंने इनका आफ्टर बिफोर का मैंने मतलब फ़ोटो भी थंबनेल भी बनाया है, आप देख सकते हैं, उस पर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो आई होप बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जब भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मुझे जब खुद का नहीं रियलाइज अच्छा होता तब तो मैं किसी का नहीं करती हूँ, तो मैंने खुद का ही किया था और मुझे अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।